नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। आगरा पुलिस ने चरस तस्करी करने वाले 3 तस्कर पकड़ने में कामयाबी हासिल की है, तो वहीं इनके कब्जे से कई किलोग्राम चरस बरामद की गई। बता दें कि एसटीएफ और छाता पुलिस ने ये तस्कर गिरफ्तार किए हैं। इनके पास से 18 किलो 900 ग्राम चरस बरामद हुई है। प्राथमिक पूछताछ में जानकारी मिली है कि नेपाल से कई राज्यों में चरस की तस्करी किया करते थे। गिरफ्तार आरोपियों में से 2 बिहार और 1 फिरोजाबाद का रहने वाला है। पुलिस की टीम लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। ये थाना छत्ता पुलिस और एसटीएफ के संयुक्त तत्वाधान में ये एक मिशन आयोजित किया गया था, जिसके तहत 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं जो नेपाल से चरस लेके आ रहे थे। 2 अभियुक्त उसमें से और 1 यहाँ पे उनको रिसीव करके संबंधित आसपास के जनपदों में उसको वितरित करता, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और इनसे करीब 18 किलो 980 ग्राम चरस बरामद हुई है। 1 मोबाइल बरामद हुआ है। 4 रोडवेज के टिकट बरामद हुए हैं और इनसे पूछताछ करके अग्रेतर वैधानिक कार्रवाई संपादित की जा रही है। तीनों लोग कहाँ पे रहने वाले थे? इसमें से 2 बिहार के रहने वाले थे और तीसरा जो सप्लायर यहाँ जो उनको रिसीव जो आसपास के जनपदों में वितरित करता वो फिरोजाबाद का रहा। कन्नौज में आधुनिक रूप से बना ट्रॉमा सेंटर शराब पीने वालों के लिए मैखाने का अड्डा बन चुका है। बता दें कि जिला अस्पताल के परिसर में ही सपा सरकार में ट्रॉमा सेंटर का निर्माण हुआ था। करीब 96 लाख से ज्यादा की कीमत से ट्रॉमा सेंटर का निर्माण कराया गया, जिसमें आधुनिक उपकरण भी दिए गए थे ताकि गरीब जनता को बेहतर इलाज मिल सके, साथ ही उनकी तमाम समस्याओं का निदान हो सके। लेकिन स्टाफ ना मिलने के कारण ट्रॉमा सेंटर आज भी कई सालों से सुनसान पड़ा है और लाखों की कीमत के उपकरण धूल फांक रहे हैं। वहीं जिला अस्पताल के सीएमएस खुद असहाय नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि ट्रॉमा सेंटर खाली कराए जाने को लेकर कई बार वे खुद लेटर लिख चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ऐसे में शराबियों ने यहां अड्डा बना लिया है। ये जानकारी मुझे भी मीडिया से अभी प्राप्त हुई है कि वहाँ पे इस तरीके के मादक पदार्थों के बोतलें और ये कैंस वगैरह बरामद हुई हैं। मैं स्वयं जाके निरीक्षण करके वहाँ पे दिखवाऊंगा। ये ट्रॉमा सेंटर में अभी 108 एम्बुलेंस कर्मी रह रहे हैं, क्योंकि कोविड काल में इनको यहाँ पे रहने के लिए दिया गया था और नीचे पुलिस चौकी भी बनी हुई है। परंतु मेरा मानना है कि अब ये कोविड काल ख़त्म हो गया है तो ये ट्रॉमा सेंटर खाली होना चाहिए। इसके लिए पत्राचार पूर्व में भी किया हूँ और अब मैं फिर पुनः इसमें लग करके ये ट्रॉमा सेंटर एक्टिवेट कराने के लिए मैं इसमें पत्राचार पुनः करूँगा। और हमारे पास अब चिकित्सक भी हैं, व्यवस्था भी है। मैं ये चाहूँगा कि ये ट्रॉमा सेंटर उसमें आ जाए और फंक्शनल हो जाए। वहीं फतेहपुर में सपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद आहर शाह, सपा प्रत्याशी विशंबर निषाद ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की है। मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि वो लोग स्ट्रांग रूम के बाहर निगरानी कर रहे हैं। दरअसल उनकी मांग थी कि पास बनाए जाएं और जो गाड़ियां अंदर जा रही हैं उनकी तलाशी की जाए और बिना चेकिंग के गाड़ियां अंदर ना जा पाएं। जिले में जितनी ईवीएम मशीन और वीवीपैट यूज हुए हैं उसकी जानकारी जिला प्रशासन ने प्रत्याशियों को नहीं दी है। वहीं उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग पर भरोसा है पर योगी के अधिकारियों पर भरोसा नहीं। उन्होंने कहा कि डीएमएसपी बीजेपी के इशारे पर कार्य कर रहे हैं। वहीं उन्होंने 10 मार्च को होने वाली मतगणना को निष्पक्ष कराए जाने की मांग की है। यहाँ पर किसी प्रकार का पुलिस का जमावड़ा लगाना संदेह के घेरे में आता है। अगर इनको कोई किसी का जश्न मनाना पार्टी बनानी है तो इसका मतलब है कि ये केंद्रीय पुलिस को भी मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा पूरा ऑब्जेक्शन है और हम इसमें भी कल बात करेंगे। चुनाव आयोग को लिखेंगे पत्र और निष्पक्ष जो है मतगणना हो, इसमें शंका की निष्पक्ष मतगणना नहीं होने देंगे जिलाधिकारी, और मांग करें कि यहाँ के एसपी कप्तान को भी हटाया जाए इसी स्थिति में। अगर मतगणना ठीक नहीं करा सकते ये लोग, जब रात में इस तरह आएंगे लोग तो इसमें संदेह पैदा होगा। पार्टी किसने बनाया? पार्टी जो बता रहे हैं जो पार्टी का माहौल है किसने बनाया? पार्टी जो है पुलिस कप्तान पुलिस विभाग के लोग जो है जहां स्ट्रांग रूम बना हुआ है संवेदनशील एरिया है जी, उस संवेदनशील एरिया में जो तो एक जत्थे में पुलिस जा रही है, इससे साबित होता है कि कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। आगरा की देहात सीट से कांग्रेस उम्मीदवार उपेंद्र सिंह ने जिला प्रशासन और चुनाव आयोग पर सत्ता के इशारे पर ईवीएम में धांधली का आरोप लगाया था।
दरअसल कांग्रेस प्रत्याशी उपेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। अब इस मामले में कल सुनवाई होगी। उनका आरोप है कि ईवीएम की सीलिंग प्रक्रिया के दौरान अधिकृत एजेंट ने उन्हें नहीं बुलाया था। इसके साथ ही जब सीलिंग की गई तब सीसीटीवी भी काम नहीं कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने स्ट्रांग रूम के सामने ही धरना शुरू कर दिया। साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन पर सत्ता के दबाव में काम करने का भी आरोप लगाया था। एक जन्म दिवस समारोह मना रहे हैं। मेरा ये मानना है कि ऐसे संवेदनशील स्थल पर जन्म दिवस समारोह का आयोजन करना और इन दोनों पुलिस विभाग और जो औद्योगिक सुरक्षा बल है जो सुरक्षा कर रहा है, इन दोनों को संयुक्त रूप से कोई आयोजन करना, पार्टी करना, ये संदेह को प्रदर्शित करता है। मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ कि लोकतंत्र की हत्या करने वाले ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जाँच की जाए और जिसकी गलती निकले उस पर कार्रवाई की जाए, मशीनों की सुरक्षा की जाए और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम समाजवादी लोग यहां पर लगातार जो है निगरानी कर रहे हैं। आगरा ग्रामीण विधानसभा से मैं कांग्रेस का प्रत्याशी हूं और जिस प्रकार से 10 तारीख को 10 फरवरी को यहां वोटिंग हुई और उसके बाद में स्ट्रांग रूम जो सीलिंग हुआ, उस सीलिंग की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नियमों का पालन यहाँ के प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया और जहाँ पे स्ट्रांग रूम है उसमें ना तो मेरे कोई एजेंट थे, ना ही कोई अन्य पार्टी के प्रत्याशी या उनके कोई एजेंट थे जिस समय सीलिंग की प्रक्रिया थी। फिरोजाबाद के एटा रोड स्थित काशीराम कॉलोनी में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहाँ एक महिला अपने पति और सास के साथ रहती है, जहाँ दलित महिला के साथ अपराधी ने घर में घुसकर दुष्कर्म की कोशिश की। जो उसी जगह रहने वाला बंची पुत्र जमील खां, जो कि थाना टूंडला पुलिस द्वारा जिला बदर अपराधी था, इस घटना में महिला बेसुध हो गई। वहीं आरोपी के भागते समय हाथ की खड़ी और चप्पल वहीं रह गए। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस द्वारा पीड़िता को फिरोजाबाद जिला चिकित्सालय भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की है। देर शाम थाना टूंडला स्थित एक आवासीय कॉलोनी से एक महिला द्वारा ये सूचना दी गई कि उनके साथ घर में घुस के एक व्यक्ति के द्वारा छेड़छाड़ तथा अभद्रता करने का प्रयास किया गया, जिसको देखते हुए तत्काल ही मौके पर पुलिस बल को भेजा गया। महिला के पति से प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। महिला पूर्णतः स्वस्थ तथा स्थिर है। इसमें आरोपित की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी, शीघ्र ही आरोपित की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। बिजनौर के रामपुर बकरी में नागरिक सुरक्षा बल का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें रामपुर बकरी की रहने वाली प्रीति शर्मा को डिस्ट्रिक्ट वुमेन सेल ऑफिसर मनोनीत किया गया। इलाके से आई तमाम महिलाओं ने प्रीति शर्मा का फूलमालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची अर्चना चौधरी ने प्रीति शर्मा को नियुक्ति लेटर और आई कार्ड देकर सम्मानित किया। प्रीति शर्मा के परिवार में खुशी की लहर है। प्रीति ने कहा कि महिलाओं के साथ अत्याचार किसी भी हद तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी संस्थान दिन रात एक करके महिलाओं की सेवा के लिए तैयार खड़ी है। ये उसी का ही प्रोग्राम कर रही हूँ, आज मेरे को सेलिब्रेट करा जा रहा है। तो कितने लोगों की संख्या में महिला यहाँ पर रहेंगी, कितनी महिला रहेंगी यहाँ पर लगते हैं? सर मतलब काफ़ी लोग रहेंगे, जो भी मेरे संपर्क में हैं वे लोग यहाँ पे आएंगे और आगे जितनी भी संस्था चलेगी उनको मैं बनाऊँगी। लगभग कितने लोग आपके लगभग मेरे संपर्क में 150 लोग हैं। तो ये जो क्या जागरूक करने के लिए कर रहे हैं महिलाओं को, क्या जागरूकता फैलाना चाह रहे हैं? इसलिए कि उनकी जो भी परेशानी हो हम हल कर सकें और किसी को कोई भी परेशानी है और आकर हमसे बताएं और हम उनकी मदद करें। बांदा के बबेरू कस्बे का छात्र यूक्रेन से घर वापस पहुंच गया है। घर पहुंचते ही मेडिकल स्टूडेंट ने बताया कि बस में तिरंगे झंडे की वजह से दोनों देशों की सेना चेकिंग नहीं करती थी। ऑपरेशन गंगा में मोदी सरकार की वजह से हम लोग सुरक्षित वापस अपने देश आ पाए हैं। रोमानिया के लोग और सरकार बहुत अच्छी है, उन्होंने हमारी हर तरीके से मदद की, बगैर वीजा के बॉर्डर क्रॉस करवाया। यूक्रेन में हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं, बम मिसाइलों के धमाकों के अलावा कुछ नहीं सुनाई देता। हम सभी मेडिकल स्टूडेंट्स बहुत घबराए हुए थे। हम लोगों को यूनिवर्सिटी से बस द्वारा रोमानिया बॉर्डर पर भेजा गया। अभी भी बहुत से छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं और मैं इवोना शहर में था, जहां से बॉर्डर लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी पर है। परिजनों ने बेटे के घर लौटने पर फूलमाला से स्वागत किया और कहा कि हमारा बेटा सरकार के प्रयास से वापस लौटा है, हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। सरकार इसी तरह सभी बच्चों को सुरक्षित घर वापस लौटने का कार्य करे। बहुत सारी कठिनाइयों का सामने करना पड़ा, पैदल चलना पड़ता है और
बच्चों का बहुत सारा रश है, तो उसमें लाइन में खड़े होकर लगभग किसी को 12 घंटे, किसी को 24 घंटे, किसी को 1 से 2 दिन का वेट करना पड़ता है लाइन में बॉर्डर क्रॉस करने। कब गए थे आप यूक्रेन? 2018 में। कौन सी पढ़ाई करने गए थे वहाँ पे? MBBS की। वहाँ पे कैसे का हालात है इस समय के? हालात खराब हैं, अभी दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, और हम चाहेंगे जल्दी से जल्द ठीक हो जाए वो और ख़त्म हो। संजय जी ये बताइए कि जैसे कि मिशन गंगा के तहत आपको यहाँ तक लाया गया है, किनका श्रेय देना चाहेंगे आप, क्या कैसे कहा यहाँ पे? थैंक यू फॉर मोदी गवर्नमेंट एंड थैंक यू फॉर UP गवर्नमेंट, थैंक यू फॉर इंडियन एयरफोर्स जिन्होंने हमें हेल्प की, एंड थैंक यू फॉर इंडियन एम्बेसी, रोमानियन गवर्नमेंट जिसने हमें बहुत हेल्प किया बॉर्डर क्रॉस करने में और वहाँ पर रहने में। मुजफ्फरनगर में सिपाही की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। फांसी के फंदे पर सिपाही का शव लटका मिला। 2016 से 17 बैच का सिपाही बताया जा रहा है, जिसका नाम गगन राठी था। सिपाही की मौत पर परिवार में कोहराम मचा हुआ है। चुनाव के दौरान अयोध्या में उसकी तैनाती थी। बुढ़ाना कोतवाली के टावा गांव का निवासी सिपाही बताया जा रहा है। सिद्धार्थनगर जिले के SOG सवलांस और त्रिलोकपुर थाने की पुलिस ने संयुक्त अभियान में 4 शातिर चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल की। इनके पास से पुलिस ने 12 चोरी के मोटरसाइकिल बरामद की हैं। पकड़ में आए चारों चोर त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के निवासी हैं। पुलिस को यह सफलता उस वक्त मिली जब त्रिलोकपुर थाने की पुलिस मंगल तिराहे के पास वाहन चेकिंग कर रही थी। उसी बीच 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से बिस्कोहर की तरफ आते दिखाई दिए, जिनसे रोककर पूछताछ और वाहन के वैध कागज दिखाने को कहा गया, तो वे इसमें नाकाम रहे। पुलिस ने जब पंकज गुप्ता और अमन सैनी से कड़ाई से पूछताछ की, तो दोनों ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गैंग का सदस्य होने का खुलासा किया। बाद में पुलिस ने इनकी निशानदेही पर इनके 2 अन्य साथी दिनेश सैनी और लियाकत को भी गिरफ्तार किया है, और इनके कब्जे से 12 चोरी की मोटरसाइकिल और 1 देसी तमंचा कारतूस के साथ बरामद किया। देखिए, थाना त्रिलोकपुर और SOG की टीम ने एक गैंग को पकड़ा है जिसमें 4 सदस्य हैं। इनके पास से चोरी की 12 बाइक पुलिस ने बरामद की हैं, जो गोरखपुर जोन के अन्य जो ज़िले हैं, गोंडा हो गया, बलरामपुर हो गया, बस्ती हो गया, गोरखपुर, यहाँ से वो बाइक चोरी हुई हैं। फिर इनके इंजन नंबर, चेसिस नंबर को खुरच के उस पर फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर लगा के ये लोग बाइक्स को बेचते हैं, यहाँ भी बेचते हैं और नेपाल में भी क्रॉस बॉर्डर बेचते हैं। इस तरीके के गैंग को पुलिस ने पकड़ा है। इसमें से 6 बाइक कनेक्ट हो गई हैं जो हमारे जनपद से चोरी हैं, और बलरामपुर से मुकदमा लिखा हुआ, बलरामपुर में चोरी हैं, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज से चोरी हैं, सब मुकदमे दर्ज हैं। 6 इस तरीके की बाइक बरामद हुई हैं जिनमें मुकदमे दर्ज हैं। सर, जो पकड़े गए हैं, क्या इनका अपराधिक रिकॉर्ड भी कुछ है? हाँ जी, इसमें पंकज गुप्ता जो हमारे यहाँ का रहने वाला है, तिरुपुर रहने वाला है, उसका पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड है। मुजफ्फरनगर के कल्याणपुर गाँव का निवासी छात्र सलमान यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहा था। रूस और यूक्रेन के बीच चले युद्ध में सलमान फंस गया और परिवार की मुश्किलें बढ़ गई। परिवार के लोग लगातार सलमान से संपर्क कर रहे थे और सलामती की दुआ मांग रहे थे, लेकिन परिवार की दुआ पूरी हुई, सलमान सकुशल अपने परिवार के बीच पहुंच चुका है। वहीं सलमान ने न्यूज़ पर इंडिया से खास बातचीत में वहाँ के हालातों के बारे में बताया है, सुनिए। यूक्रेन में जो तमाम भारतीय छात्र फंसे हैं और लगातार भारत सरकार उनको निकालने के लिए पूरा प्रयास कर रही है, लगातार एम्बेसी के लोग वहाँ पर लगातार उन तमाम छात्रों के संपर्क में हैं, तो आज यूक्रेन से वापस लौटे हैं MBBS के छात्र हैं सलमान। उनसे बात करते हैं किस तरह के हालात उनको देखने को मिले हैं और किस तरह की जो समस्याएं थी उनका सामना घर वापसी में उन्हें करना पड़ा है। सलमान, ये बताइए, आप यूक्रेन से वापस लौटे हैं, लगातार परिवार के लोग आपका वेट कर रहे थे, पिछले कई दिनों से लगातार चिंतित थे, तो किस तरह की समस्याओं का सामना घर वापसी में हुआ है और किस तरह का मंजर वहाँ देखा है? सर, हम पहले ही आने वाले थे, हमें हम न्यूज़ देख रहे थे काफ़ी टाइम से कि यहाँ पे वॉर होने वाला है, तो सर हमारा 24 फरवरी का हमारा टिकट था, तो बट जैसे ही सर हम एयरपोर्ट पे पहुँचे तो वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट स्टार्ट हो गए, उसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया चारों तरफ, तो फिर वहीं से जान बचा के सर हम कीव में ही, फिर एक हॉस्टल है बोगोमलेस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का, उसमें हमने शरण ली जाके। क्या लगता है, जब आप टीवी चैनलों पे तमाम अखबारों में ये खबरें देख रहे होंगे कि तनाव की स्थिति है, क्या सोचा आपने कि उसी समय वहाँ से निकल लेना चाहिए कि हालात बद से बदतर हो सकते हैं? सर, सभी जो बच्चे थे, उनकी जो फैमिली थी, सभी वरीड थी, सभी को चिंता थी कि सभी न्यूज़ में लगातार देखा जा रहा था कि ऐसे ऐसे माहौल हो रहा है यूक्रेन का,
बट सर जो हमारी यूनिवर्सिटी वाले थे उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा ये सब न्यूज़ प्रोपेगेंडा है। और जो सर हमारे एजेंट वगैरह थे, हमने उन सभी से कहा कि सर आप थोड़ी सिफारिश करो, एम्बेसी से थोड़ी हमने रिक्वेस्ट की सर आप हमारी क्लासेस ऑनलाइन करवा दो तो हम इंडिया वापस चले जाए, क्योंकि यहाँ सर वॉर की सिचुएशन बनती जा रही है। बट सर कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स हमें नहीं मिला कहीं से। तो क्यों आप वहाँ रहे हैं और लगातार आने का संघर्ष कर रहे थे, तो किस तरह का मंजर वहाँ देखा, किस तरह के हमले, किस तरह लोगों के वहाँ की ज़िंदगी आप चल रही है? सर जब से ही ये कंडीशन हुई है शुरू, तभी से ही सर चारों तरफ मारामारी मची है, और जो वहाँ के लोकल्स हैं सभी शेल्टर लिए हुए हैं नीचे बंकर्स में, और हमने भी 5-6 दिन ऐसी बंकर्स में अपनी रातें बिताई बैठ के। और बाकी जो माहौल है उधर का सब सुनसान है, और रोडों पे बस टैंक और मिसाइल्स वगैरह ही दिखती है, और चारों तरफ आर्मी के जवान नज़र आते हैं। तो क्या आपके जो साथ के छात्र थे, तमाम आपके साथी थे, क्या वो सब वापस लौट आए हैं, कुछ अभी भी फंसे हैं? सर मेरे जो बैच के बच्चे थे मोस्टली सभी आ गए, बट अभी काफ़ी तादाद में इंडियन स्टूडेंट अभी है, पोलैंड में हो या फिर कीव में भी अभी है बच्चे, और खारकीव सिटी में भी है। कुछ बच्चे रोमानिया चले गए, कुछ बच्चे हंगरी चले गए, तो सर ऐसे ऐसे करके आ रहे हैं बच्चे। जैसे आपके कुछ दोस्त आप बता रहे हैं कि अभी भी वहाँ फंसे हैं, उनसे बातचीत आपकी फ़ोन के माध्यम से हो रही होगी, तो किस तरह का वो रेस्पॉन्स दे रहे हैं, क्या जानकारी दे रहे हैं? सर उनका यही कहना है कि हमें जो इंडियन गवर्नमेंट है या फिर इंडियन एम्बेसी जो कीव में है उनकी तरफ से हमें कोई ऐसी हेल्प नहीं मिली, बस वे कह देते हैं कि आप अपने तरीके से खुद चल के आप बॉर्डर तक चले जाओ, उसके बाद हम आपको इवैक्यूएट कर लेंगे। सर ये इवैक्यूएशन नहीं होता। अमेठी में ट्रैफिक पुलिस में तैनात हेड कांस्टेबल विनोद कुमार राय की मौत हो गई। रात में अचानक से सीने और पेट में दर्द के कारण मौत बताई जा रही है। अमेठी के गौरीगंज में तैनात थे कांस्टेबल विनोद कुमार राय लखनऊ जनपद के ग्राम मोहिलाल खेड़ा गोसाईगंज के निवासी थे। मौजूदा समय में विनोद कुमार राय की ड्यूटी विधानसभा चुनाव के दौरान प्रेक्षक की सुरक्षा का दायित्व भी निभा रहे थे। बरेली में संदिग्ध अवस्था में सिपाही का शव मिलने से हड़कंप मच गया। 1112 में बरेली में सिपाही तैनात था। हाल ही में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिपाही की मौत हार्ट अटैक से बताई जा रही है। थाना प्रेमनगर के अंतर्गत ओहड़ा पीर में साईं गेस्ट हाउस के सामने एक व्यक्ति जो है जमीन पर मृत पाए गए थे। उनके शरीर पर कोई चोट नहीं थी। पहचान करने पर पता चला कि उनका जो नाम है राहुल शर्मा, उम्र लगभग 40 वर्ष है। ये 2011 बैच के आरक्षी हैं और ये 1112 में पुलिस लाइन बरेली में रिजर्व में तैनात थे, और इनकी मोटरसाइकिल भी वहीं पे खड़ी थी। और इनके घर वालों के द्वारा बताया गया कि इनका अपनी जो पत्नी है उनसे विवाद चल रहा था और काफ़ी तनाव और परेशानी में रहते थे और शराब का सेवन भी करते थे। पुलिस के द्वारा इसमें पंचायत में भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है, उसके बाद इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया के साथ।